अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है मत्ती 14वें अध्याय के 24वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। इस अनुग्रहित वचन से हम यीशु समाधान करने वाला विषय में मनन करेंगे। प्रियो, चाहे आज आप किसी भी कठिनाई के बीच में हो, सिर्फ यीशु मसीह ही सभी कठिनाइयों का एकमात्र समाधान है। ऐसी कोई भी बात इस संसार में नहीं है जिसका समाधान यीशु मसीह के पास ना हो। इसी बात को यूहन्ना 6 अध्याय में भी लिखा गया है, जिसको यदि हम इसके साथ पढ़ें तो समझ सकते हैं कि चेले तिबरियास में थे और यीशु मसीह ने उन्हें संध्या के समय तिबरियास से कफरनहूम की ओर भेजा। ऐसा हम स्पष्ट रूप से वहां समझ सकते हैं। यीशु उनके पीछे आएंगे, ऐसा यीशु मसीह ने कहा था। यहूदी लोगों ने रात के समय को 4 पहरों में बांटा है। पहला पहर 6 से लेकर 9 तक के 3 घंटे हैं, तो दूसरा पहर 9 से लेकर 12 तक के 3 घंटे हैं, फिर 12 से लेकर 3 तक का समय तीसरा पहर और 3 से लेकर 6 तक का समय चौथा पहर कहलाता है। पहले पहर के संध्या समय में यीशु मसीह अपने चेलों को कफरनहूम की ओर भेजते हैं और जिस यात्रा को पूरा करने के लिए मात्र 2 से 3 घंटे नाव में यात्रा करने की आवश्यकता थी, लेकिन चेले उस कठिनाई में फंस गए जिसके कारण दूसरा पहर और तीसरा पहर भी बीत जाता है। और उस समय यीशु मसीह चौथे पहर में उनकी समस्या के समाधान के लिए चलते हुए उनके पास आते हैं। जो वचन हमने पढ़ा उसके पहले भाग में इस प्रकार लिखा है कि नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, बट द शिप वॉज नाउ इन द मिड्स ऑफ द सी। इसका अर्थ ये है कि उनकी नाव अभी समुद्र के बीच में पहुंच गई है। इस यात्रा को सिर्फ पहली पहर में ही पूरा होना था। उस एक परेशानी की वजह से दूसरा और तीसरा पहर भी बीत गया। प्रियो, यदि आपके जीवन में एक प्रत्येक परिस्थिति में आप फंस गए हैं, बीच समंदर में बिना किसी आशा के, क्या आज आप हैं? अगर ऐसा है तो आप डरो मत। हर परिस्थिति को समाधान करने वाला अपना समाधान लेकर आपकी कठिन परिस्थितियों के बीच में उतर आने वाला है। चेलों की उस कठिन परिस्थिति को कैसे परमेश्वर ने ठीक किया, यदि आप उसके 32वें वाक्य में पढ़ें तो इस प्रकार लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यीशु मसीह नाव में चढ़ जाएंगे तो हमारे जीवन की परिस्थिति बदल जाएगी। ये नाव हमारे जीवन को दर्शाती है। अपने जीवन में आप परमेश्वर को स्वीकारें। यदि परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे, यदि आप अपने जीवन का केंद्र स्थान परमेश्वर को देंगे तो सारी परेशानियां दूर भाग जाएंगी। कठिनाइयों के बीच में निर्बल हुए उन चेलों के पास आकर उनके जीवन को बचाते हैं तो वहां पर सब खत्म नहीं हो रहा है। हम वहां चेलों की प्रतिक्रिया को भी देखते हैं। उसके 33वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, बहुत बार जब हम अपनी कठिनाइयों में डूब जाते हैं, जब हमारा अस्तित्व भी मिट जाने वाला था, उस समय परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा के द्वारा हमारी परिस्थितियों को बदला। हम ये भूल ना पाए। हम ही हमेशा याद रखें, परमेश्वर के समाधान को अनुभव करने वाले बने। हम लोगों की प्रतिक्रिया परमेश्वर को दंडवत करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग पिता, इस अनुग्रहित वचन के द्वारा जिन भी कठिनाइयों में आपके बच्चे आज फंसे हुए हैं, आप उनके जीवन में एक समाधान के साथ प्रवेश करें। उनकी हर एक परेशानी का समाधान उन्हें मिलकर आपको दंडवत करने में आप उनकी सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।